everyone, welcome back to my YouTube channel. So guys, आज वीडियो से रिलेटेड बहुत ही बड़ा इशू हो गया है. इशू ये हो गया है कि हमने अभी कुछ देर पहले, अभी जस्ट टाइम हो रहा है 8:58 एंड हमारी सारी वीडियो हमने शूट भी कर ली थी. माय सब्सक्राइबर ने हमको रिकमेंड किया था कि चैलेंज करो, तो हमने वो चैलेंज शूट भी कर लिया था. तो फिर हमने, जब मैं एडिट करने बैठी वीडियो को, तो मैंने देखा कि कहीं आधे से ज़्यादा क्लिप्स में हमारी आवाज़ ही नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ माइक इशू हो गया होगा मेरे ख्याल से. तो उस वजह से हम वो वाली वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाएंगे, बट आज वाला व्लॉग हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि डे मिस हो. सो इसलिए अभी मैं रात को व्लॉग शुरू कर रही हूँ. एंड अभी बारिश हो रही है बहुत मज़ेदार वाली, तो उसको छोड़ो, कल हम दोबारा न्यू वीडियो शुरू कर लेंगे. न्यू मतलब न्यू, एक बार और चैलेंज कर लेंगे हम कोई और. सो अभी तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, एकदम बारिश होने लगी है. इतने दिनों से इतनी गर्मी हो रही थी, अब बारिश होने लगी है. एंड आज मैं आपको अपना कबर्ड का टूर दूंगी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइज, आप देख सकते हो कि बारिश हो रही है, आप सुन सकते हो, देख तो अभी यहाँ पे क्योंकि लाइट नहीं है अच्छे से, तो उस वजह से बारिश हो रही है. बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, सारी जगह पानी पानी भर गया. तो अभी हम अंदर चलते हैं, ठंडी हवा भी चल रही है. सबसे पहले तो गेट बंद कर लेती हूँ. तो गाइस, अभी मैं रूम में आ गई हूँ एंड तो हम बहुत ही बुरा लग रहा है कि हमने इतनी मतलब मेहनत से, हमने सोचा था कि हम एक पूरी अब अच्छे से एकदम कंटिन्यू रखेंगे चैलेंजेस बनाना, कि अब हम रोज बढ़िया बढ़िया चैलेंज डालेंगे जिससे आपको भी मजा आए. क्योंकि पहले हमने एकदम कर दिया था, एकदम ट्यून पे आ गए थे हम लाइन पे, कि एकदम चैलेंज पे चैलेंज हमने थे चैलेंज किए, पिछले चैलेंजेस देखना. फिर उसके बाद मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके बाद फिर चैलेंज सब रुके, उसके बाद कुछ भी मतलब ठीक नहीं चला था. तो इस वजह से फिर उस टाइम चैलेंज नहीं आ पाए. फिर हमने कल फिर दोबारा चैलेंजेस शुरू किए और हमारा था कि अब हम चैलेंज करेंगे अच्छी तरह, पर नहीं हो पाया. बिकॉज जो हमने इस जैसे ने बता दिया कि वीडियो आवाज ही नहीं आई, टेक्निकल इशू हो गया. टेक्निकल नहीं, हमने माइक लगाया उसमें. जैसी जब भी हम माइक लगा रहे हैं, तो मैंने अभी एक बार एक क्लिप छोटी सी रिकॉर्ड करके भी देखी, जब भी हम माइक लगा रहे हैं तो आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है. एंड अभी मैं बिना माइक के शूट कर रही हूँ, तभी आपको आवाज सुन रही है. तो अब हमें माइक चेक कराना पड़ेगा एक बार, क्योंकि आप बहुत बार आप भी रिकमेंड करते हो कि हमें माइक यूज करना चाहिए. तो हम पिछली कुछ वीडियो से माइक यूज कर रहे हैं, ताकि आपको कोई भी हम उसका माइक साउंड का इशू ना दे, तो फिर हम माइक यूज कर रहे थे. बट जैसा होना था वो तो हो ही गया. और आज का ये व्लॉग भी थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि ये इसने व्लॉग अब शूट करना शुरू किया 9 बजे इसने शूट किया. मैंने बोला इसको कि कुछ तो आज डालना ही पड़ेगा, वरना हमारी डेली व्लॉग की रूटीन खत्म हो जाएगी एकदम सिंकिंग. तो फिर ये व्लॉग ही बनाया इसने आज, पर बिल्कुल भी वो मत करना. और कल हम आज मैं आपको अपनी अलमारी दिखाने वाली हूँ यार, मेरी कबर्ड, सॉरी. बिल्कुल भी वो मत करना, क्योंकि कल सुबह ही हम शूट कर लेंगे और दोपहर तक मेरे ख्याल से 2-3 बजे तक आपके पास आ जाएगी चैलेंज. लिख के ले लो, बढ़िया वाला चैलेंज करेंगे, हंसी वाला जैसे पिछला किया था. और फिर वीडियो आएगी 2-3 बजे और फिर हमें जानवी ने भेजा है कि बहुत सारे चैलेंजेस भेजे हैं, तो अभी एक उसमें हाउस टूर है, बट अभी हम हाउस टूर अपना अभी नहीं देना चाहते. सो और भी उसने बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज भेजे हैं एंड रसिका दीदी ने भी भेजे हैं. तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे चैलेंजेस कवर कर पाए सारे. तो अभी फटाफट से मैं आपको अपनी कबर्ड दिखाना शुरू करती हूँ. और कल हमें कमेंट चाहिए उस वीडियो पे, क्योंकि हम बहुत मेहनत से बनाएंगे. बाय, मैं काम कर रही हूँ. तो गाइस, अब मैं आपको फाइनली अपने कबर्ड का टूर देने जा रही हूँ. फिलहाल ये हाल है मेरी कबर्ड का. इस साइड वाली मेरी एंड इस साइड वाली किटू की है. सो पहले मैं आपको अपनी दिखाऊंगी, किटू की अभी नहीं दिखाऊंगी. किटू की नॉट अलाउड. सो गाइस, यहाँ मैं अपनी कबर्ड खोलती हूँ और फिलहाल मेरी कबर्ड का ये हाल हो रखा है. OMG,
अभी मैं इसको पूरा अच्छे से सेट करने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ मैं दिखा देती हूँ, यहाँ मैंने अपनी सारी चीज़ें रखी हैं, विच मतलब कपड़े हैं ऑब्वियसली। यहाँ देखो ऐसे कैसे ठूसा पड़ा ये मैंने सारा सामान। एंड आपको अच्छे से मैं दिखाती हूँ अभी। सो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये कपड़े मैं अभी सेट करूँगी, सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। सो गाइस ये देखो ये हमारी फर्स्ट फोटो, ये मैं हूँ जब हम मनाली गए थे, ये तब की है। एंड देन हम नीचे आते हैं, ये हमारे फंक्शन की है स्कूल की, आपको यहाँ देखिए ये भी मैं। देखो ये सारी मेरी क्लास की फ्रेंड्स हैं, और ये मैं जो पुराने स्कूल में थी ये तब की है मेरी। दिस इज सो हॉरिबल एंड शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इसको भी मैंने अपनी कबर्ड पे लगा रखा है मेरी बेस्ट फ्रेंड को मेरे साथ। ये मेरी दादू दादी और ये मैं हूँ, और यहाँ पे भी देखो मैं हूँ। और ये देखो ये चितांशी के साथ है, ये हमारी बहुत पुरानी डांस है। एक मिनट अब इस साइड भी मैंने लगा रखी है, देखो ये भी है मेरी एक फोटो। एंड ये मैं हमेशा सेकंड रैंक करा है मैंने अपने स्कूल फंक्शन में। इस बार अगर होता तो हम फिर एक मेरे को पुष्पिंदर मैम के साथ फोटो नहीं मिली है, तो मेरी क्लास टीचर है पुष्पिंदर मैम, तो फिर मैं उनके साथ खिंचवा सकती। देखो ये मैं हूँ, ये भी मैं ही हूँ, एंड ये भी मैं ही हूँ, और ये भी मैं ही। देखो और अभी ये कबर्ड है मेरी, अभी मैं इसको सेट करूंगी। कैमरा ब्लर हो रहा है, सॉरी। देखो ये जो ग्रास लगाई हुई है ये मेरे स्कूल में हमने किया था एक एक्ट, उसके लिए बच गई थी, तो मैंने फिर ये फ्लावर वगैरह ये मैंने सब खुद बनाया था, तो मैंने वो अपनी कबर्ड में यूज कर लिया। ऐसे यहाँ तक कपड़े आ जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया है। सो अभी पहले मैं अपनी कबर्ड को अच्छे से सेट करती हूँ, फिर आपको भी दिखाती हूँ कैसे सेट करती हूँ मैं। तो गाइस नाउ आई एम गोना स्टार्ट सेटिंग माय कबर्ड। तो सबसे पहले मैं कपड़ों से ही शुरू करती हूँ, शूट की वजह से इतने ही कपड़े हो रहे हैं। सो अभी मेरा प्लान तो कुछ और है मेरी कबर्ड को अच्छे से सेट करने का। आई नीड मैनी हैंगर्स टू जस्ट क्या बोलते हैं उसको हैंग करने मेरे को अपने क्लोथ्स यहाँ पे सारे। तो अभी तो ये मेरा पूरा अच्छे से कबर्ड का टूर, मतलब ये मैंने आपको जस्ट दिखाई, आज मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैं सेट करती हूँ सारे। और दी ग्रास मेरी टूट भी चुकी है, यहाँ पे मैं अभी कपड़े सारे रख रही हूँ, माय टी शर्ट ऑल दैट। वैसे मम्मी ही मेंटेन करती है मेरी और मेरी बहन की कबर्ड, तो अच्छे से तो मम्मी ही मेंटेन करती है। मैं कभी कभार कर लेती हूँ जब मेरा मूड होता है, तो आज मैंने आपको करके दिखा दी हूँ। तो उस वजह से अभी मैं सारे कपड़े बाहर निकाल लेती हूँ पहले तो अपनी कपड़ में से, फिर आपको दिखाऊंगी कितने। बट क्या करें हमारे पास टाइम बहुत कम, बहुत बिजी शेड्यूल है, इतना भी मतलब अभी वो नहीं है, फिर भी बहुत बिजी लगता है, तो इस वजह से
सुबह को हमारी क्लासेस होती हैं एंड देन उस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता पूरा दिन, फिर हम शूट करते हैं। गाइस छोड़ो, ये तो नहीं मैं सेट कर चुकी थी, हट चुका थी। ओह शिट यार, एक बार और आने दो, ग्रीन पेपर मैं लेके आऊंगी फिर मैं दोबारा से सेट कर दूंगी। सो अभी तो मैंने अपनी ऊपर पोर्शन खाली किया है, आपको मैं कपड़े दिखा देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपर पोर्शन का। अभी मैं इनको अच्छे से तय करके यहाँ पे सेट करती हूँ। हम यहाँ पे अखबार रखा हुआ है एंड इसका हम कुछ सोचते हैं, कुछ तो करेंगे। ये भी अभी करना है, सब बाकी है। तो जो पहले मैं आपको पहले ऑर्डर बता देती हूँ, इस साइड में रखती हूँ अपनी, मतलब नीचे जैसे जीन्स वगैरह वगैरह लोअर वेयर्स एंड इस साइड अपर वेयर्स रखती हूँ एंड यहाँ पे मैं अपनी स्कूल ड्रेस रखती हूँ जो कि अभी है थोड़ा, तो इसलिए यहाँ पे मैं स्टार्ट करती हूँ रखना। ये डोर मेरे को बहुत पसंद है, फिर भी मैंने अब तक एक भी बार नहीं पहना। अभी देखते हैं, इसको भी निकालते हैं। जो जो मैं कपड़े पहनना चाहती हूँ वो मैं ऊपर ऊपर रख लूंगी अब। तो गाइस अभी मैंने आधा सेट कर लिया है, अभी मैं और करती हूँ। गाइस तो अभी मैंने बस इतना किया है, वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं किया है, इसमें मैं बहुत थक गई हूँ। तो अभी के लिए मैं आपको इतना ही दिखा रही हूँ और अच्छे से टूर करवा लेती हूँ एक बार। यहाँ पे भी मैंने हैंगर्स के लिए रॉड लगा रखी है, बट यहाँ पे भी मैंने ऐसे कपड़े टंगा रखे हैं। नीचे का तो बिल्कुल ही बुरा हाल है, यहाँ पे नए कपड़े रखती हूँ ज़्यादातर, तो उस वजह से ये सारे डेली वेयर हैं। बट ये लाइन थोड़ी न्यू के लिए है, बाकी ये सारी डेली वेयर है इधर वाली। अभी बिल्कुल अच्छे से नहीं हुआ है एंड यहाँ नीचे है मेरा बुक सेक्शन जहाँ पे हमने सारी अपनी बुक्स रखी हुई हैं, तो इतनी है मेरी कबर्ड बस। अभी मैं बाहर जा रही हूँ, मैं डर गई और एकदम बाहर पानी ही पानी, बिल्कुल ही पानी। और पापा ने यहाँ बारिश में गमले रख दिए हैं और अकेली मैं ही दिख रही हूँ पूरी सोसाइटी में बाहर। बहुत ठंडा पानी है, मेरे पैर जम गए हैं ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा तेज ठंडा पानी है। देखो फिर भी मैं आपको दिखाने आई हूँ, और बारिश हो रही है बहुत तेज़ वाली और यहाँ गमले रखे हुए हैं पापा ने। बारिश आ रही है ना इस दिन में पानी आ जाएगा, वैसे रोज़ देते हैं फिर भी। अभी सब कुछ हो गया है एंड आज वाला व्लॉग मैं थोड़ा छोटा ही रखती हूँ क्योंकि जस्ट अपडेटेड व्लॉग था कि ऐसे मिस ना हो, इसलिए मैंने छोटा सा आपको अपना कबर्ड टूर दे दिया है। ये थी मेरी छोटी सी कबर्ड, पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना एंड आज वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो टर्न ऑन दैट नोटिफिकेशन बेल फॉर माय न्यू वीडियोज एंड मिलती हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस छिप्पी छिप्पी हमारे घर में गाइस बहुत छिपकलियाँ हो रही है, एक कबर्ड पे कलाकंद मैंने किया है मम्मी की, कितनी छिपकली भाई साहब। किचन में आपको पता है कितनी सारी हैं।